नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में मानसून के बादलों ने दस्तक दे दी है। मानसून राजधानी को पार करता हुआ मैनपुरी बिजनौर तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पार कर जाएगा। इसके पश्चात पूरे प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले 3 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बदायूं, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, जीबीनगर, मथुरा, हाथरस, रायबरेली, लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में तेज आंधी आ सकती है और बिजली चमकने के साथ साथ भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि राजधानी में बीते एक सप्ताह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम तक 9.3 मिलीमीटर बारिश राजधानी में रिकॉर्ड की गई। वायुमंडल में आर्द्रता 95% बनी हुई है। इसके चलते अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि बीते वर्ष मानसून उत्तर प्रदेश में 22 जून को दाखिल हुआ था, जिसके बाद एक लंबा अंतराल गुजरने के बाद जून के अंत में राजधानी पहुंचा था। लेकिन इस वर्ष 15 तारीख को प्रदेश में दस्तक देने के बाद मानसून एक सप्ताह के अंतराल पर बुधवार को राजधानी पहुंच गया। उन्होंने कहा, मानसून की चाल सामान्य है और अगले कुछ दिन प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना है। यह बारिश खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।